कलिजुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मंगलमय जीवन गाथा, मंगलमय जीवन संबंध में थोड़ा सा किंचित दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो है अलौकिक दिव्य और लीला, प्राकृतिक दृष्टि से लगता है जैसे मनुष्य लीला जैसी, मनुष्य जैसे क्रिया कर्म करते हैं ऐसी साधारण लगता है, वास्तव में ऐसा नहीं। भगवान जब लीला करते हैं ये उन माधुर्यमय लीला का ये वैशिष्ट्य, माधुर्यमय लीला जो है भगवान की ये विशेषता है कि भगवान एक नरलीलावत आचरण करते हैं। ये नरलीला ही उनके सबसे माधुर्य महिमान्वित लीला, जहां भगवान भक्ति के साथ एकात्म हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति तो बहुत प्रकार होती है, लेकिन माधुर्य उपासना में जो भगवत प्राप्ति, भगवान अनंत कोटि वैकुंठ नायक भगवान जिनकी चरण रस प्राप्ति के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र आदि युग युगांतर तप तपस्या कर रहे हैं, उनके चरण कमल के किंचित छटा प्राप्त करके वो अपने को कृतकृत धन्य से धन्य मानते हैं। उसमें थोड़ा योग विभूति मिल जाता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि आदि मिल जाता है, वो अपने को तृप्त मानते हैं, अपने को कृतकृत मानते हैं। लेकिन ये जो माधुर्य उपासना पद्धति, जहां भगवान वहां तो जोगिंद्र मुनिंद्र आदि तो उनके चरण रज की एक छटा प्राप्त करने के लिए युग युगांतर तपस्या कर रहे हैं, यहाँ भगवान भक्त की तपस्या कर रहे हैं, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं। यहाँ भगवान अनंत कोटि वैकुंठ नायक भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भक्त की कृपा प्राप्ति के लिए कृपा। निरपेक्षा मनिंग शांत निर्वैर समदर्शिन अनुप्रजम नित्यंगी। श्रीमद भागवत महापुराण कहते हैं निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शी, ऐसे जो सद्गुण संपन्न समस्त गुण से अलंकृत जो मेरे प्रिय भक्त जो हमको छोड़ के कुछ जानते नहीं है, ऐसे भक्त जहां से चले जाते हैं मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, पीछे पीछे। क्यों ना उनके चरण रज लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ और अपने को मैं पवित्र मानता हूँ। बोलिए, हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये श्रीमद भागवत महापुराण कहते हैं, हम नहीं, भगवान अपने को पवित्र मानते हैं। जिनकी पवित्रता की छटा से अनंत कोटि ब्रह्मांड जो पवित्र हो जाते हैं, दृष्टि मात्र, दृष्टि निक्षेप मात्र जो अनंत कोटि जीव जगत जो पलक में पवित्र हो सकता है, और भगवान बोलते हैं उनकी चरण रज लेकर के मैं अपने आप को पवित्र मानता हूँ। पुयेत्री रेणु भी उनकी चरण रेणु लेकर, ये भगवान पीछे पीछे चलते हैं और वहां के छठा प्राप्ति के लिए अनंत काल तपस्या कर रहे हैं। यह जीव उनके कृपा प्राप्ति के लिए क्या कठोर तपस्या, और यहाँ अनंत कोटि वैकुंठ नायक भक्त के पीछे करजोरबद्ध करबद्ध होकर के उनकी कृपा प्रार्थना कर रहे हैं। जब निकुंज भवन में जब राधा रानी माननीय होकर के अवस्थान करते हैं, राधा रानी आदेश किए हैं मंजरी को, कृष्ण को कुंज भवन में प्रवेश करने नहीं देना। वहां कुंज भवन में प्रवेश करने का अधिकार है नहीं, मंजरी के अनुमोदन बिना, उनकी जो सहचरी
नित्य सहचरी जो मंजरी है उनके अनुमोदन बिना वहाँ पूर्ण ब्रह्म सनातन वहाँ अनुप्रवेश करने की उनके कोई अधिकार है नहीं। भगवान कृष्ण यह माधुर्यमय माधुर्य मूर्ति भगवान यहाँ भगवान कैसे हैं बोलते यहाँ सबसे प्रियतम सबसे निकटतम सबसे आपन जन हमारे एकदम निकटतम निसंकोच एक प्रेम एक एक तदात्मता एक आत्मीयता जैसे हम अपने प्रियजन से निसंकोच व्यवहार करते अपने पुत्र अपने मित्र अपने प्रेमिका आदि से जिस तरह से वार्ताव करते हैं भगवान भी इस तरह से वार्ताव करते हैं। भगवान करजोरबद्ध हुए हो करके मंजरी से प्रार्थना करते हैं मंजरी हम ले चलो राधा रानी के पास और मंजरी वो भी राधा रानी मानी नहीं होने के कारण मंजरी भी मानी नहीं वो तो राधा रानी के भाव जैसे भाव ऐसे भाविता होकर के भाविता चित्त वृत्ति ऐसे होकर के वो मंजरी तदात्मता के कारण ऐसे ही भाव प्राप्त करती है वो मंजरी जैसे राधा रानी के भाव ऐसे ही राधा रानी हर्ष देते हैं तो ये मंजरी अनंत आनंद सिंधु में डूब जाती है और नृत्य करती सिर्फ राधा रानी के एक मुख चंद्रमा के एक मुस्कान देख करके आनंद में अनंत आनंद सिंधु में निमग्न हो जाती है ये मंजरी। राधा रानी दुखी हो जाती है तो ये मंजरी पहले ही मुरझा जाती है अनंत शोक सागर जैसे निमग्न हो जाती है दुख सागर में दुस्सागर में ऐसे दुखमय सागर में डूब जाती है ऐसे राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति इसलिए ये रति को कहती है भावोल्लास रति राधा रानी के भाव से उल्लसित रति। राधा रानी माननी है मंजरी ये भी माननी हो गई है ऐसे तो आकर्ण नेत्र ऐसे तिरछी नजर से देखते हैं कृष्ण को मुंह एकदम खुल गया क्रोध जैसे कृष्ण समझ गए वातावरण आज अच्छा नहीं है आज कुंज भवन का वेदर अच्छा नहीं है थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है समझ गए हैं मंजरी से प्रार्थना करते सखी सखी राधा रानी सारा विलन करा गजपति हार पहना देते उनको खुश रहने के लिए हाथ पकड़ के चुम्बन करती कृष्ण ईश्वर की तरह मान जा मानने के लिए तैयार नहीं रहो कुंज में प्रवेश अधिकार तुम्हारा है नहीं ये अधिकार भगवान परजोर बद्ध होकर के मंजरी से क्षमा याचना करते माफ कर दे ले चाहिए भी कीमत पर ले चाहिए ये उपासना ये माधुर्य उपासना ये वहां तो भगवान के पीछे पीछे एक छठा भगवान नहीं भगवान के एक ऐश्वर्य की छठा प्राप्ति के लिए युग युगांतर तपस्या कर रहे हैं मिट्टी के नीचे पानी के नीचे तपस्या करते कठोर तप तपस्या फिर भी मिलता नहीं है थोड़ा सा जोगेश्वर्य के किंचित छठा प्राप्त करके अपने का कृतकृत्य मानते हैं अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम वर्तित इच्छित यत्र काम वसायित अस्त्र सिद्धि नवनिधि आदि थोड़ा सा प्राप्त करके अपने का कृतकृत्य मानते हैं लेकिन यहाँ ऐसे नहीं अनंत कोटि वैकुंठ नायक भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते अनुप्रजम्य हम अनुप्रजामी अहम मैं पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ ऐसे भक्त के अहं भक्त पराधीन अशतंत्रीज मैं भक्त के अधीन हूँ मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं भगवान अपना भगवत्ता भूल जाते हैं अस्वतंत्र मैं स्वतंत्र नहीं भगवान की दुर्बलता सबसे दुर्बलता जो भगवान अपने भगवत्ता भूल करके भक्त के प्रेम में इस तरह से वशीभूत हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं भूल जाते हैं
माधुर्य भगवत सार ब्रज को ही निन प्रचार। भगवान की जो भगवत है उसके सार है माधुर्य। समस्त आनंद भगवान आनंदमय, भगवान आनंदमय, आनंद का सार है प्रेम, प्रेम का सार है भाव, भाव का सार है महाभाव। सार सार आनंद मूल है आनंद, सभी आनंदमय उचित वस्तु आनंदमय। रस वैस पुरुष रस स्वरूप आनंद जो है उसका घनीभूत सार जो है वो है प्रेम। प्रेम का सार है भाव महाभाव। ये माधुर्य में एकमात्र वो सार वस्तु माधुर्य उपासना में है, नहीं तो आनंद ठीक है ब्रह्मानंद तुरिया आनंद सब आनंद मिलेगा। ये उपासना करते हैं ब्रह्म उपासक जो है ऐश्वर्य उपासक है आनंद, वो आनंद में निमग्न हो करके अपने आप को विलय कर देते हैं, अपने अस्तित्व को विलय करके आनंदमय हो जाते हैं। लेकिन यह नहीं, वो आनंद सिंधु वो आनंदमय पूर्ण आनंदमय भगवान अखिल रसामृत सिंधु भक्त के पीछे पीछे उनके अनुगमन करते। ये माधुर्य ब्रज रस ब्रज माधुर्य उपासना पद्धति विश्व में और कहीं ये उपासना पद्धति है नहीं, ब्रज में एकमात्र ये उपासना पद्धति है जहाँ भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं और भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भक्त से कृपा प्रार्थना करते हैं। तो माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज को ही लेन प्रचार, माधुर्य का सार है जो प्रेम, ये तो भगवान ऐसे भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूं, भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं और भक्त भी उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान मानने के लिए तैयार नहीं, साधारणीकरण एक जैसे हम तुम और हम एक ही है, हमसे कुछ बड़े तुम है वो नहीं, ऐसी ऐसी भाव है ब्रज में। আমাকে যে বড় মানে আপনাকে হীন তার প্রেমে তবু আমি না হই অধীন। আমাকে যে বড় মানে বাংলা চরিত্রে এক পায়ার, আমাকে যে বড় মানে আপনাকে হীন তার প্রেমে তবু আমি না হই অধীন। বলতে হামকো ভগবান মানতা হয় আর আপনাকে ছোটা মানতা হয়, প্রভু দাস হ্যাঁ হম প্রভু হ্যাঁ, तो उसका प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ नहीं है, हम उसके वश में नहीं होते। अपना के बड़ो माने आमा के समहीन तार प्रेमी हो या मैं सत तो अधीन, अपने को बड़ा मानते हैं और हमको छोटा मानते हैं, मतलब उसके प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ। ये ब्रज लीला प्रिया यदि मान करी कराए भत्सन वेद स्तुति होती हो हरे मोर मन। बोलते हैं प्रिया मानिनी होकर के कृष्ण को गाली देती, बुआरिया गमार झूठे ऐसे कितने कितने गाली देते हैं मान मानिनी होकर के। भगवान कहते हैं जो वेद में जो हमारी स्तुति करते हैं, बोलता है वो उससे भी ज्यादा बहुत गुना हमको आनंद लगता है उनकी वो गाली सुन करके। इसीलिए ब्रज में तो गाली बहुत प्रसिद्धि है, ब्रजवासी यहाँ ब्रज में है, ये ऐसे आप नहीं वो गाली दे सकते हैं, एक ब्रजवासी इस तरह से गाली दे सकते हैं स्वाभाविक ही, लेकिन ये ब्रजवासी उनके स्वाभाविक उनमें ये भाव है, हमें वो भाव नहीं है, हम कितने भजन करें
लेकिन वो भाव ब्रजवासी में है, स्वाभाविक गाली देती है ना। तो ये ब्रज उपासना पद्धति, ये पद्धति जो है ये रस उपासना पद्धति का चरम निर्जात जो मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये महाप्रभु का अवदान। अनर्पित चुरिंग चिरात कोरोन अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जल रसांग सबक्तिस्त्यम हरिपुराट सुंदर द्रुति कदम्ब संदेपित सदा हृदय कंदर स्फुरत सचिनंद। ये वस्तु महाप्रभु का अवदान, महाप्रभु कृपा करके देने के लिए आए हैं, नरोचित लीला किए हैं। देख में लगता है नरोचित साधारण मनुष्य जैसे क्रियाकर्म ऐसे ही करते, वास्तव में ऐसा नहीं, वो चिन्मय है। और मनुष्य जो क्रियाकर्म करते हैं ये मायामय है, वो जोगमाया के द्वारा कृत वो रचना लीला रचना करते हैं जोगमाया, और हम जो क्रियाकर्म करते ये महामाया। वहां इंद्रियातीत गुणातीत देहातीत लीला, और हम देहात्त बुद्धि संपन्न पंच भौतिक शरीर में आसक्त होकर मायाबद्ध होकर के शरीर को मिथ्या पदार्थों को अपना मन के मान के मैं भ्रमित होकर के स्वरूप विस्मृति के कारण ये दृश्यमान वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के इसके पीछे घूम रहे हैं। ये एक ही सा लगता है लेकिन वो अलग, वो जोगमायाकृत ये महामायाकृत, वो दिव्याति दिव्य है, ये माया है, वो रोशनी है ये अंधकार है, ये बंधन है वो मुक्ति है। संपूर्ण अलग, ऐसे ही नरलीला कृष्ण जब लीला किए हैं ऐसे ही नरलीला ना, देखो ना चोरी करते हैं भगवान हैं, लीला करते हैं परस्त्री के साथ, भगवान लीला करते हैं रासलीला भी किया है अपने स्त्री को परस्त्री, चोरी करते हैं भगवान, झूठ बोलते हैं झूठे, उतना झूठे तो कोई है ही नहीं कितना झूठ बोलते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे ऊपर दोष मत लगाइए, हम नहीं कह रहे, मैं चोरी करते हमको मत बोलिए, कृष्ण चोरी करते हैं हम हाथ जोड़ देंगे, मैं भगवान देखिए ये सब देखिए भाई चोरी तो करते हैं तो सब दिल चुराते हैं मन चुराते हैं सब इंद्रिय मित्र को चुराते हैं, चोर महाचोर है ना। ब्रज लीला में ये लीला है, चोरी कौन करते हैं किसका करते हैं, चोरी उसको कहा जाता है दूसरे का वस्तु बिना पूछे अगर आप ले लेते हैं तो उसको चोरी कहा जाता है। और भगवान छोड़ के और दूसरा कोई पदार्थ तो है नहीं संसार में, दृश्यमान जागतिक ऐसा कोई वस्तु पदार्थ तो नहीं है जो भगवान से बाहर। अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वं प्रवर्तित इतिमत्ता भजन्ते मांगबूदा भाव समन्विता, मैं ही सब में हूँ, अहम आत्मा गुरा के सर्वभूत स्थित मत्ता परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयो मई सर्वमीदं प्रोक्तं सूत्र मणि बनाई। भगवान शिव का कोई वस्तु है ही नहीं, वो सब दृश्यमान समस्त वस्तु पदार्थ व्याप्त है। तो ये चोरी किसने किया किसका किए है ना, इसलिए भगवान ने ये लीला, भगवान अगर ब्रजलीला में चोरी नहीं करते तो पूरा ब्रजलीला फीका पड़ जाता, उसमें ये माधुर्य रहता ही नहीं, ये माधुर्य रस को पुष्टि की है चोरी है ना। कौन समझेगा मूर्ख लोग थोड़ी समझेगा, समालोचना करते हैं भगवान चोरी करते हैं भगवान परस्त्री के साथ लीला कर, पर वो पर है ही नहीं पर शब्द, ये जो जीवात्मा हम जो सोचते हैं हम अलग हैं भगवान, ये है अज्ञानता। भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध अखंड अविच्छेद्य संबंध, ये संबंध बनावटी नहीं ये नित्य, भगवान भी चाहे तो पलक के लिए हमको अलग करना संभव नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित संबंध। तीन भेद है, सजातीय भेद विजातीय भेद और स्वगत भेद, तो आलोचना की है पहले भी। सजातीय माने जैसे हम लोग मनुष्य है, ये ब्राह्मण है, कुछ व्यक्ति है, ये पुरुष है, स्त्री है, ये नाना प्रकार की काला है मोटा है हम, ये जो ये है एक ही मनुष्य है किंतु भेद है, इसको कहते हैं सजातीय भेद। विजातीय भेद है
एक कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, आपस में सभी चैतन्य सत्ता है, जीव है, लेकिन भेद है, वो अलग जाति, हम अलग जाति, हम मनुष्य है, कुत्ता है, इसको कहते विजातीय भेद। और स्वगत भेद माने हमारी अंग, ये हाथ है, डायनाक बयान मेरा ही है, लेकिन यह हाथ में चोट लगने से यह हाथ का दर्द नहीं होता है, भेद है, इसको कहते हैं स्वगत भेद। तीनों भेद रहित संबंध भगवान से हमारा, तुम मानो ना माने ये तुम्हारी बात है, तुम इस तर्क करो, वितर्क करो, जाओ अंधकार में पड़े रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात सत्य, हम माने या ना माने इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मानता है ये मायामय संसार से मुक्त होकर के वो प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके वो आनंदमय हो जाता है, और जो नहीं मानता है बंधन दशा प्राप्त होकर के संसार चक्र में जाता है, ये भेद है ना। इसलिए वहां परस्त्री को शब्द आता ही नहीं, ये कोनो परमाणु सभी भगवत भगवान की सत्ता है। मत्ता परतरंग नान्यत् कहीं चिदस्ति धनंजयो मई सर्वम ईदम प्रोक्तम सूत्रि मणिगणाय। हमसे परे और कोई वस्तु पदार्थ है नहीं, ये पर शब्द पर स्त्री, ये जो पति है ये तो शरीर का पति है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान है। हम स्त्री और पुरुष दोनों झूठा है, आत्मा ना स्त्री ना पुरुष, वो तो निर्लिंग है, वो तो प्रकृति है, कभी हार्मोन का चेंज, बस कभी पुरुष होता है कभी तो स्त्री होता है, इसीलिए ये पुरुष स्त्री इस शरीर का व्यवधान है, वास्तव में आत्मा एक ही है, स्त्री का आत्मा पुरुष का एक ही है। शरीर धर्मी जब हो जाता है तो यहाँ स्त्री पुरुष भेद, पति है और पुरुष है स्त्री है, तो ये शरीर का पति है, लेकिन भगवान है आत्मा के पति। पिता हम जगत माता तथा पितामह वेदं पवित्रम ओंकार दीक्षां ज्योतिरिवता ज्योतिरिवच गतिर्भत्ता गति भर्ता भर्ता मन पति गतिर्भत्ता प्रभु साक्षी निवास सर्वांगश्रित प्रभाव प्रलय स्थान निजनम बीजम व्यम तपमहम वसं दिग्रणमोत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्च अमार्जुन। अमृत मैं हूँ, विष मैं हूँ, सत मैं हूँ, असत मैं हूँ, सब है तो झूठ शब्द आता कहां से, भगवान झूठ बोलते हैं ये सब भगवान में ये आरोप होता नहीं है, ये झूठ है, ये प्रेम रस का निर्जात रस पुष्टि के लिए भगवान ब्रजलीला में झूठ इतना सुंदर, और झूठ इतना सुंदर माधुर्य महिमान्वित तो कर देते हैं कृष्ण लीला में, इतना माधुर्य कर देते हैं ये झूठ, झूठ शब्द है ना। मैया मैं नहीं माखन खाई तो खाए कहना था मक्खन मक्खन खाया है, मोरो फाड़ देखो मैं नहीं, मैं नहीं माखन, झूठ बोल दिया, झूठ का तो सच्चाई भी है, मैंने ही माखन खाई मैंने ही माखन खाई एक शब्द है, मैंने ही माखन खाई मैया मैंने ही माखन खाई तो ये कृष्ण लीला, ये लीला माधुर्य जो पुष्टि जो है, ये परस्त्री संभार, परस्त्री वहां शब्द है ही नहीं सब, और वहां जो लीला किया है भगवान, ये जीव कोटि नहीं, जीव जो है ये तटस्थ शक्ति, और भगवान जो लीला विनोद किए हैं वो स्वरूप शक्ति, दोनों अलग है, चिन्मय शक्ति ये माया ये बहिरंग माया शक्ति, ये शरीर आत्मा का भेद है, शरीर अलग आत्मा अलग, शरीर पंचभौतिक आत्मा अलग, दोनों मिलकर के जीव चैतन्य सत्ता, जीव सत्ता जीव आत्मा, वहां ऐसा नहीं, आत्मा शरीर अलग नहीं है, एक ही है, दोनों अलग, वहां सब राधारणी के कायब वो सब जो जितना सखियां है, जितना ब्रजलीला में जितना गोपियां है, ऐसा थोड़ी है वहां जीव जगत के, ये अनुप्रवेश थोड़ी है वहां, वहां भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, कौन जानता है यहाँ, कोई कोई शास्त्र भगवत व्याख्या कर क्या कहते हैं, राष्ट्रीला है जीवात्मा परमात्मा का मिलन, लो जानता नहीं है कुछ समझता नहीं है, मुंह में आया कह दिया,
जीवात्मा का परमात्मा। कहाँ जीवात्मा तटस्थ शक्ति, कहाँ परमात्मा स्वरूप शक्ति, उनका मिलन। ये रासलीला रस वैशा उस स्वरूप शक्ति से भगवान का आनंददायी शक्ति के साथ सच्चिदानंद भगवान का मिलन। बहुत कठोर तपस्या करके गोपी स्वरूप प्राप्त किया है। अच्छा तेरी श्रुति चोरी मुनि चोरी ये सब कठोर तपस्या कर, ब्रह्म विद्या भी, ब्रह्म विद्या आप लोग अध्ययन कीजिएगा, ब्रह्म विद्या स्वयं ब्रह्म विद्या तपस्या किया है गोपी स्वरूप प्राप्त होकर के रासलीला में प्रवेश करने का, ब्रह्म विद्या। ये ऐसे थोड़ी है जीवात्मा परमात्मा का मिलन, रास है। जीवात्मा परमात्मा मिलन तो ब्रह्म ज्ञान है। जीवात्मा जब ब्रह्म परमात्मा में विलय हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान उसका सब ये हो जाता है, सब विलय हो जाता है भगवान में विलय होकर के आनंदमय होकर के, ये ब्रह्म प्रकाश है। रासलीला बता दिया, जानता नहीं है ऐसे, इतना सहज तो है। परतत्व विषय में आलोचना करना, कुछ बोलना, इतना सहज तो है। परतत्व विषय बोध करने के लिए उसको तपस्या करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, भागवत लेके रोना पड़ेगा, भगवत चरण में प्रार्थना करना पड़ेगा, शरणागत होकर के, प्रभु तुम हमको समझा दो, हमको हम समझते नहीं है, हमारे ज्ञान नहीं, तुम हमारे भीतर प्रकट होकर के शास्त्र तत्व जो भी है तुम वर्णन कराओ हमारे द्वारा, ऐसे इस तरह से। भक्ता भगवत अंग्रजा ना बुद्धा ना चटिकाया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत के जाना जा सकता है, ना बुद्धि के द्वारा ना टीका पढ़ करके, टीका पढ़ करके भी होगा नहीं। जब टीका पढ़ करके हम तत्व विषय व्याख्या करेंगे, धर्म से तत्व नीत गुहा महाजन जी नगत, धर्म के विषय गुहा में छुपा हुआ है, इतना सहज है। बोल दिया जीवात्मा परमात्मा का मिलन, तो यह है माधुर्य उपासना ब्रज। इसका कौन वर्णन करेगा, हम तो एक अज्ञानी महामूर्ख है जो कि वर्णन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और एक हम उससे भी बड़े अज्ञानी हैं हम, लेकिन क्या करें, फिर भी मन होता है बालक जैसे, समझता नहीं तो कुछ अनुभव है नहीं, बोल देता है। अब भी ऐसे ही बालक जैसे कुछ कह देते हैं, जैसे सुने हैं ऐसे कह देते हैं। बच्चा लोग उल्टा पट्टा बोलता है ना, गाली भी दे देता है बहुत कुछ, लेकिन वो जानता नहीं गाली का माने क्या है। सीख लिया, बोल दिया, मुंह में आया, माने जानता नहीं है उसका। तो हम भी इस तरह से बोल रहे हैं, जैसे थोड़ा सा अध्ययन किया तदनुसार थोड़ा सा मन होता है, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा कीर्तन करूँ, गुणानुवाद लीला कथा मन होता है, लेकिन क्या करें, हमारे आस्वादन तो है नहीं, हमारे अनुप्रवेश है नहीं। फिर भी पड़े हैं राजन के चरण में शरण लेकर, अवश्य एक दिन हमको भी आस्वादन कराएंगे। तो महाप्रभु आए थे वो लीला वो चरण वस्तु प्रदान करने के लिए, करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं इस कलयुग में। फिर महाप्रभु राय रामानंद के पास आए, इस विषय में हम लोग आलोचना किए हैं, आप पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। मिलन अद्भुत मिलन तत्व विषय में नाना प्रकार प्रसंग बड़े सुंदर ढंग से शास्त्र के द्वारा बड़े सुंदर निरूपण किए हैं। शास्त्र तत्व संबंध में ज्ञान तत्व रस तत्व लीला तत्व सब वर्णन के बाद फिर आप और कुछ प्रश्न किए हैं उसका उत्तर प्रदान किए हैं। आप महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए हैं, राय रामानंद भी अब चलेंगे। आप राय रामानंद कहते हैं, प्रभु एक बताओ, एक सही बताओ, मैं तुमको पहले देखा जैसे कृष्ण वंशीधारी हमारे सामने ठाड़े हैं, हम तुमको देख रहे हैं, कभी कभी देखते हैं, तुम नहीं हुआ वंशीधारी कृष्ण ठाड़े हैं। फिर देखते हैं एक कांचन पांचाली, पांचाली माने प्रतिमा, एक कांचन प्रतिमा तुमको घेर करके, तुमको आवरित करके, फिर देखते हैं वो अद्भुत रूप। नजर तो ऐसे ही है, वंशी धारण किए है, लेकिन देखते हैं रंग बदल गया, ढंग बदल गया, वो कांचन पांचाली आपको आवरित करके रखी है, हमको समझ में नहीं आता है प्रभु ये क्या देख रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं, देखो तुम तो परम भगवत हो ना, परम भगवत होने के कारण तो आपने इष्ट को हर स्थिति में हर जगह वो दिखते हैं ऐसे,
हर स्थिति अपने सर्वभूत से जब पश्चिम भगवत भमात्मना भूतानी भगवत आत्मनिशा भगवत उत्तम उत्तम भगवत के वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। सर्वभूत से जब पश्चिम भगवत भाव आत्मना सब जीव में जो अपने इष्ट को देखते हैं और भूतानी भगवत आत्मनिशा भगवत उत्तम और सब जीव में भी तो भगवान को देखते हैं, भगवान में भी समस्त अपने इष्ट को देखते हैं, समस्त जीव जगत को देखते हैं। भूतानी भगवत आत्मनिशा भगवत उत्तम वो उत्तम भगवत ऐसे कहते हैं। तो तुम उत्तम भागवत होने के कारण तुम हम में भी ऐसे अपने इष्ट को देख रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। ये तुम्हारी जो स्थिति है, तुम उत्तम भागवत होने के कारण तुम हम में तुम्हारे इष्ट को देख रहे हो। सर्वभूतेषु जब पश्यत भगवत भाव आत्मना भूतानि भगवत आत्मनिशा भगवत्तम, ये उत्तम भागवत के लक्षण है। जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता कहते हैं जो मांग पश्यति सर्वत्र मेरे को सर्वत्र देखते हैं, जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सब में मेरे को ही देखते हैं तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वो हमको हर जगह देखते हैं, मैं भी उसको देखता हूँ, मैं भी उसको भूलता नहीं हूँ, देखते रहता हूँ। ऐसे है, ये उत्तम भगवत के लक्षण है। तो इसलिए तुम हमको दिख रहे हो, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे इष्ट को दिख रहे हो। तो राय रमानंद है साक्षात ललित सखी का अवतार, बोलता देखो प्रभु तुम ये चालाकी छोड़ो, हम तुमको पहचान लिया, तुम वही टेढ़ी नजर वही टेढ़ी टांग वाले नजर लीला में हम तुमको जान गए हैं, यहाँ भी वो टेढ़ी लीला हमसे हमको मत दिखाओ, वो टेढ़ी बातें मत सुनाओ हमको, हम तुमको पहचान लिए हैं, हम तुमको पहचान लिए तुम वही हो। लेकिन वो कंचन वरण जो कंचन पंचाली जो तुमको आवरित करके जो तो अवस्थिति है तुम्हारी, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, बताओ तुम सही बताओ इसका कारण क्या है। तो महाप्रभु हार दिए हैं। फिर राय रामानंद बड़ी विनम्रता से कहते प्रभु बताओ बताओ हमको वंचना मत करो, हमको वंचना मत करो। तब जाकर के महाप्रभु कृष्ण एक तरफ धीरे 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 राधा रानी दोनों आकर के सीधा मिल करके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विद्यमान रसराज महाभाव दुई एक रूप, रसराज कृष्ण महाभाव मई राधा रानी दोनों मिलकर के एक होकर के, हम नहीं कह रहे हैं जो अपने इष्ट को बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, ये इतिहास कह रहे हैं, ये स्वरूप दामोदर की कर्चा वो कर्चा में लिखित है, ये कर्चा जो प्रामाण्य हमारे जो प्रामाण्य तत्कालीन जो इतिहास है, जैसे मुरारी गुप्त की कर्चा राय रामानंद की कर्चा वो जो देखे हैं वही लिखे हैं, वह और कोई कल्पना नहीं, कोई शास्त्र नहीं, देख के लिख करके गए हैं। तो ये शब्द भी वो कर्चा से लिया गया है, ये सब विषय रसराज महाभाव दुई एक रूप, एक तो प्राकृत सर्वचक्ष देखे सारे प्रपंच समूह, एक तो देखने में लगता है प्रपंच जैसे भगवान जब नर लीला करते हैं कृष्ण को वही स्वरूप को दर्शन किए है ना, वही कृष्ण को, लेकिन देखो कौन पहचाना, सब साधारण एक जैसे सुंदर है अच्छा है, लेकिन वो जो भगवान है चिन्मय सच्चिदानंद घन विग्रह है ये सब कोई थोड़ी जानते थे। देखो ना दुश्मन को मारते मारते भगवान का ब्रज लीला समाप्त हो गया, दुश्मन सब दुश्मन भगवान का दुश्मन बताओ, वही भगवान
তো জন্ম চক্ষে দেখে তার প্রপঞ্চের সব। আর শিশুপাল তো মানে ইতনা জলতে থে কৃষ্ণ কো দেখ কর কে, মানে ছাতি মে আগ লাগ গয়া দর্শন মাত্র। শিশুপাল ভয়ঙ্কর জলতে থে, আর গালি গাল এসে ভি গালি নেই হ্যায় জো দেতে নেই থে কৃষ্ণ কো। ভগবান কো দেখ কে জলতে হ্যায়, বতাও ভগবান কো দেখ কে জলন হোতা হ্যায়, হোতা হ্যায় কিসি কা? তো ইয়ে ভগবান কি কৃপা বিনা ইয়াহ থোড়ি তো ভগবান কো স্বরূপ আস্বাদন কর সকতে হ্যায় না? দেখনে মে লাগতে যে প্রপঞ্চ জয়সে প্রেম নেত্রী দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ, বৃন্দাবনের গোপ গোপীর রাস বিলাস। প্রেম নেত্র সে ভগবান কা ওই কৃষ্ণ, ওই কৃষ্ণ হ্যায় না? জব লৌটতে হ্যায় ব্রজ গোপী ছাত কে উপর আপনে দরজে কে পাশ খালি রহতি হ্যায়, জেসে কল্প কল্প বিত রহা হ্যায়, কব কৃষ্ণ আয়েঙ্গে, কব কৃষ্ণ কো দেখেঙ্গে, কৃষ্ণগত প্রাণ কৃষ্ণগত চিত্ত বৃত্তি সমস্ত অন্তঃকরণ বৃত্তি কো হরণ কর লিয়ে হ্যায় ও কৃষ্ণ, ও জগত ভুবন মঙ্গল ভুবন সুন্দর কৃষ্ণ টকটকি লগা করকে ঠারে রহতে হ্যায়। কৃষ্ণ কে একবার দেখনে কে লিয়ে সুবে সে ঠারে রহতে হ্যায়, কব গোবৎস চারণ করকে জব লৌটেঙ্গে দেখেঙ্গে কৃষ্ণ কে একবার, ফির ক্যা কহতে হ্যায়? কোটি আঁকি নাহি দিল সবই দিল দুই, তাহাতে নিমেষ দিল কি দেখিব মুই। ভগবান কো গালি দে রে, বিধাতা কো সৃষ্টি সৃজনের শক্তি বিধাতা কা হ্যায় নেহি, ভগবান এই যে বিধাতা জিসনে রচনা কি হ্যায় সৃষ্টি রচনা কি হ্যায় ও নিরাশ, একদম নিরাশ। কেসে নিরাশ? সৃষ্টি রচনা জানতে নেই হ্যায়। জো কৃষ্ণানন্দ, কৃষ্ণ আনন্দ মানে মুখারবিন্দ, জো কৃষ্ণ কো মুখ চন্দ্রিমা কো দর্শন করেঙ্গে উসকো সিরিফ দোনয়ন প্রদান কি হ্যায়, যে দেখিবে কৃষ্ণানন্দ তারে দিল দিনয়ন, বিধি হইয়া হেন অবিচার। ভগবান হোক কেসে অবিচার? সৃজন শক্তি আতাই নেই, সৃজন করনা আতাই না, আমারে পাস আতে তো আমি শিখা দিতে কিস তরহ সে সৃজনী শক্তি সৃজন কিয়া যাতা হ্যায় সুন্দর সৃষ্টি, ইতনা সুন্দর কৃষ্ণ আনন্দ তুমনে কৃষ্ণ কো তুমনে সৃজন কি হো, আর দো আঙ্গ দে দিয়া কোটি আঁকি নাহি দিল করুর আঙ্গ দিলা চাইয়ে, তব তো জানে যে যোগ্য সৃজন, সৃজন শক্তি তব জানতে বিধবা কা হম বিধাতা কো হম দিয়ে যাকে স্তুতি করেঙ্গে, হ্যাঁ ঠিক রচনা ঠিক হ্যায়, দিনয়ন দে দিয়া দো নয়ন বলো এ তাহাতে নিমেষ দিল কি দেখিব মুই, কোটি আঁকি নাহি দিল সবই দিল দুই তাহাতে নিমেষ দিল কি দেখিব মুই, বলে নিমক ঝাপটা মারতা এ পলক। আরে ইয়ে ভি এক বাধা, পহলে তো হম দো আঁখ সে ক্যা দেখেঙ্গে কৃষ্ণানন্দ, ফির ঝাপটটা মারতা হ্যায় এ বাধা হ্যায়। ওই কৃষ্ণ হ্যায় না? ওই কৃষ্ণ হ্যায়, লেকিন ও প্রেম নেত্র, ও প্রেম, ইসলিয়ে সব থোড়ি ভগবান জব লীলা করতে থোড়ি জান পাতে হ্যায় ভগবান, যে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ভগবান হ্যায়, একমাত্র ভগবান জিসকো জানাতে ওই জান সকতে হ্যায়। নাহং প্রকাশ সর্বস্ব যুগমায়া সমাবৃতা মূর অয়ং নাভি জানাতি লোক মাম অজম অব্যয়ম, এক জান নেই পাতা হ্যায় যুগমায়া কে দ্বারা সমাবৃত রহতে তো জগ জান নেই পাতা হ্যায়। অকাশুর কা পেট কে অন্দর ঘুস গিয়া ভগবান দেখো, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ভগবান অখিল রসামৃত সিন্ধু সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ কৃষ্ণ, মুহ ফাড়কে বৈঠা কৃষ্ণ খা যায়গি অঘাসুর গোপ বালক তো সব দেখতে ভাই ইয়ে কিয়া লীলা হ্যায়, ইতনা বড়া দেখনে মে তো জানোয়ার জেসে, লেকিন জানোয়ার তো নেই, তো পাহাড় জেসে গুফা জেসে ইয়ে জেসে সড়ক নিকাল গয়া হ্যায়, জিভা জিভা লম্বা করকে বৈঠা হ্যায় না, যে ইয়া সে ঘুসেঙ্গে তো খা যায়গি। তো সোচে ভাই দেখনে মে তো জানোয়ার জেসে জানোয়ার নেই হ্যায়, ইয়ে কোই পর্বতীয় শোভা হ্যায়, এসে ভগবান নে এসে পর্বত বানায় হ্যায়, চলো ভাই দেখো তোর ভিতর যা করকে ঘুস গয়ে হ্যায় গোপ বালক সব, কৃষ্ণ জান গয়ে হ্যায় তো অঘাসুর হ্যায়, তো দেখতে হ্যায় ভিতর নেই জানতে আমারে যে সখা হ্যায় ইনকো ও তো বাচ্চাকে আমাকে লানা পড়েগা, আর অঘাসুর নিগল নেই রহে ইসলিয়ে কি কৃষ্ণ কো নিগল না হ্যায়, এই যে গোপ বালক সে তো কোই মতলব নেই হ্যায়, কৃষ্ণ একবার আ যায় তো ফির ফট করকে মুখ কো দবা লেঙ্গে বাস খতম হো জায়েগা। হ্যাঁ তো বলো কে
क्या हुआ उसमें, क्या हुआ? भगवान पेट के अंदर चले गए तो क्या मंगल हुआ? हुआ कुछ मंगल? भगवान को पाना चाहते हैं, साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, दर्शन चाहते हैं, तुम दर्शन चाहते हो और अघासुर का पेट में घुस गया, उससे भी ज्यादा क्या हुआ? तो प्रेम बिना सब फीका भगवान। इसीलिए हमारे साधना में, साधना के प्रधान वस्तु है क्या? वस्तु प्राप्ति है हमारे संबंध अविधियो प्रयोजन। हमारे प्रयोजन कृष्ण नहीं, हमारे प्रयोजन राधा रानी नहीं, हमारे प्रयोजन वृंदावन नहीं। बोले क्या प्रयोजन? प्रेम प्रयोजन। बोले क्यों? ना प्रेम बिना उनको प्रमाशपद जो जुगल किशोर है उनका आश्वर्य होगा। प्रेम चाहिए, इसलिए प्रेम चाहिए। बोले प्रेम प्रेम से प्रेम प्राप्ति होने से भगवान को कैसे मिलेगा? बोले मिलने का जरूरत नहीं, मिलने का जरूरत नहीं। हम जैसे भगवान के पीछे पीछे डोलते हैं ना, वो प्रेम प्राप्त होने से भगवान पीछे पीछे डोलेंगे, भगवान डोलेंगे उनके पीछे पीछे। जैसे मैंने गाय बछड़ा दे दिया ना, बछड़ा दे दिया, ढेंगड़ा गाय है, आप उसको पकड़ के कहीं ले जाएंगे, वो जान ले नहीं सकते, मार देंगे। तो क्या करना है? बछड़ा को उठा के लेंगे, देखिए हुंकार मारते मारते पीछे पीछे चलेंगे, देखिए है ना। तो वो प्रेम जिसको मिल, वो प्रेम रूप रस्सी, प्रेम रूप रस्सी में भगवान बंधे हुए हैं। जैसे एक ढिंगड़ा गाय, ढिंगड़ा गाय आप पकड़ने गए हैं तो उसको पकड़ना संभव नहीं है, मार देंगे। ढिंगड़ा है बहुत, तो उसके गले में रस्सी बंधा हुआ है, तो उसको पकड़ने गए हैं आप तो क्या करेंगे? आपका नजर गाय की तरफ नहीं, आपका नजर कहाँ रहेगा? रस्सी की तरफ। बोले क्यों? ना रस्सी हाथ ना की तो फट करके एक पेड़ में हम बांध देंगे, बस हो गया काम खत्म, और जा नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसे ही भगवान विभू अनंत है, उनको वो किसी के पश में होता नहीं है, उनको प्राप्त करना ऐसे संभव नहीं है। तो क्या करना है? उनको पाने का उपाय क्या है? वो तो अनंत है, वो तो विभू है, वो तो सच्चिदानंद है, वो तो इंद्रियातीत गुणातीत दिव्याति दिव्य, वो तो अनुभव वेद्य कृपा साध्य, कैसे प्राप्त करेंगे? असंभव बात है। बोले ना प्रेम रूप रस्सी में भगवान बांधे हुए हैं, कोई रस्सी को एक बार हाथ में आ जाए तो देखो तमाशा, फिर कहां जाओगे? तो कहते अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र भक्ति, मैं भक्त को अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। तो भगवान उसे भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भक्त जहां जाते प्रेम रूप रस्सी मिल गया ना। इसीलिए भगवान कहते हैं अस्त बमंग भगवान मुकुंद मुक्ति ददाति स्करी चित स्मरणा भक्ति जो करो। भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, मतलब भगवान मुक्ति दे देते हैं लेकिन ये प्रेम नहीं देते हैं, देते हैं मतलब इतना साहस नहीं। मतलब क्यों? इसीलिए नहीं देते हैं कि कौन बंधन दशा शिकार करना चाहते हैं, कोई हम बंध जाएं, हम फंस जाएं, ऐसा कोई चाहता है? अब चाहते हैं कि बंधन दशा प्राप्त होकर हमको भी बांध ले, सभी मुक्ति चाहते हैं। तो बोलता है हम, भगवान कहते हैं हम ऐसे भक्त के प्रेम में फंस जाते हैं, ये हमारे सबसे दुर्बलता, सबसे वीक पॉइंट, भगवान को वीक पॉइंट दुर्बलता, भगवान दुर्बल एक जगह हुआ है प्रेम। ये प्रेम प्राप्त होने से भगवान उस प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। बोलते प्रेम वश्यता भक्ताधीनता, ये मेरे स्वभाव है, मैं हार जाता हूँ, मैं हार जाता हूँ, हार करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ। भक्त जैसे नाचाते हैं मैं ऐसे ही नाचता हूँ, मेरा स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता मैं भूल जाता हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहते अस्ति ममंग भगवान मुकुंद मुक्तिं ददाति स्मरणा भक्ति योगं, मुक्ति तो दे देते हैं, मुक्ति दे, मुक्ति लो, अष्ट सिद्धि निधि लो। इसीलिए भोले बाबा ना बहुत चालाक है, वो सबनिधि ये सब जो विभूति देने के लिए जाओ भोले बाबा को उपासना करो। भोले बाबा भी ऐसे ही है, सब ऐसे ही दे करके विदाई कर देते हैं, वो झंझट में पड़ते नहीं है, कौन सा बंधन दर्शन प्राप्त करेंगे जा सर। इसीलिए सब उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो आशुतोष, आशुतोष माने आशु मन शीघ्र, तोष मन संतुष्ट, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भोले बाबा का नाम आशुतोष। इसीलिए भगवान आशुतोष है, जाओ उनको उपासना करो, तुमको सब अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाएगी। एक बार ये भक्त इस तरह से भोले बाबा का सेवा करते हैं,
सेवा करते हैं। तो एक दिन शिव जी प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, उन्होंने जाने का बात कहते, भक्त तुम हमसे मांगो कुछ, वर मांगो। और भक्त थे, अरे अचानक भोले बाबा प्रकट हो गए, क्या बात है, अरे रोना शुरू कर दिए, अरे वर मांगो भक्त, वर मांगो। बोले प्रभु हमको तो मांगना आता नहीं, हम जानते नहीं है तुम्हारे चीज जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो कुछ तो मांगो। प्रभु आप सबसे उत्तम जो मांगते हैं आपके विचार से वही वस्तु हमको दीजिए। भोले बाबा का बुखार आ गया, कैलाश चलेगा, कैलाश चलेगा, बिलबुल बुखार आ गया, मुंह लाल हो गया, पार्वती आए क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे बिलबुला रहे हो, हाथ लगा के देखते बुखार आ गया, ताप बढ़ गया, अरे क्या हो गया, भोले बाबा का बुखार क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ना ना कुछ नहीं हुआ, ऐसे हमारा दिमाग खराब है ऐसे, अरे क्या बात है तुम्हारा, ऐसे तो कभी देखा नहीं, या बताओ ना, ना बताएंगे क्या, हम जो गोपन रखे जो वस्तु किसी को दिया नहीं, वो एक भक्त ने मांग लिया, आज हमने तो किसी को बताया नहीं, आज क्या करें, वो वस्तु मांग लिया, आप कैसे दे, हमने किसी को बताया नहीं, सब अष्टसिद्धि निधि देकर के विदाई कर देता हूँ, अब वो मांग लिया, अब कैसे दे। पार्वती कहते बताओ ना हमको क्या बात है, क्या चीज है वो, अरे ये तो आफत पड़ गया, देखो अब ये बोल रहे हैं, वो हम किसी को कहा ही नहीं आज तक, आप हट पड़ गया पार्वती, ना बोल नहीं, अरे ये तो माँ विपत्ति आ गया, देखो तो हैं? बोलना पड़ेगा, स्त्री हट, राज हट, बाल हट, जोगी हट, एक पास हट है, बड़ा खतरनाक है ना, स्त्री हट, ये हट करते हैं तो मिल सके, जब तक पूर्ण नहीं करते तब तक जाकर के वो हट छोड़ेंगे नहीं, अशांति कर देंगे, स्त्री हट, फिर बोलना पड़ा, देखो हमारी वो राधा कृष्ण जुगल विलास जो है ना, वो ही हमारे सर्वोत्तम मानते हैं, लेकिन हम किसी को बताते नहीं, किसी को बोलते नहीं, किसी को देते नहीं, हम अष्ट सिद्धि आदि देकर के विदाई कर देते हैं। तो ऐसे भगवान कहते हैं अस्ते ममंग भगवान मुकुंद, मुक्ति दे देते हैं झमेला छुड़ाने के लिए, कौन बंधन दश शिकार करना चाहते हैं, इसलिए भगवान स्म न भक्ति जुगम, मैं यो भक्ति जो को प्रेम मैं देता नहीं, देते हैं लेकिन उसके लिए बहुत सारे उसको परीक्षा देनी पड़ती है, ऐसे है भगवान, तो ये बात है ना। तो भगवान प्रेममय पुरुषोत्तम, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान, इस तरह से महाप्रभु तो लीला प्रकटन किए हैं, तो कहते ये तुम्हारे जो प्रेम है इसलिए तुम हमको देख रहे हो, वास्तव में ऐसा नहीं है, तो राय रामानंद छोड़ने वाले नहीं है, तो महाप्रभु दिखाए हैं उनको राष्ट्रराज महाभाव, एक कृष्ण चैतन्य का दिव्य स्वरूप, एक तो प्राकृतिक स्वरूप, जैसे भगवान कृष्ण को बताए हम पहचान नहीं पाए, सब भगवान गए भिक्षा करने के लिए, भूख लगे हैं, ब्राह्मण पत्नियों को कृपा करने के लिए गए हैं, जाकर के जागिक ब्राह्मण है, यज्ञ कर रहे हैं, सखाओं के भेज दिए, जाओ जाके बोलो जो भूख लगे हैं, कुछ कृष्ण बलराम आए हैं, कुछ अन्न आदि कुछ मिल जाए तो अच्छा है। जागिक ब्राह्मण लोगों सुने हैं कृष्ण है ऐसे हैं, लेकिन उनका वो भक्ति नहीं, पहचान नहीं पाए, कुछ सुना ही नहीं, फिर आ गए कृष्ण के पास, भैया हो तो कुछ हमारे बात सुने ही नहीं, जब ये जागिक ब्राह्मण कण बड़े दूर, ये ना पुरुष है ना, पुरुष का हृदय थोड़ा कठोर होता है, तुम जाने यज्ञ पत्नियों के पास जाओ, जा करके देखो क्या कहती, तो यज्ञ पत्नियों के पास गए हैं, जो ऐसे कृष्ण बलराम आए हैं नंदगांव से, थोड़ा सा कुछ अन्न या कुछ अन्न प्रसाद का कोई व्यवस्था हो जाए, तो यज्ञ पत्नी तो बिल्कुल धन्यत जन्म हो गए, एकदम समस्त वस्तु लेकर के माथे में करके गए हैं, कृष्ण दर्शन मानस लेकर के, तो भगवान है सब फिर जान पाते हैं, जिन पर कृपा है वही जान सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो भगवान के दो लीला, एक नरलीला लेकिन एक दिव्य लीला, दिव्य स्वरूप, ये भगवान हर जगह प्रकट नहीं करते, महाप्रभु की लीला में भी भगवान के दिव्य स्वरूप, दिव्य रसराज महाभाव स्वरूप किसी के सामने भगवान ने प्रकट नहीं किए हैं, ये स्वरूप एकमात्र राय रामानंद को दर्शन कराए, दिव्य नित्य स्वरूप, महाप्रभु के एक नित्य स्वरूप है, दिव्य क्षेत्र दिव्य में एक नित्य धाम है, महाप्रभु का धाम, वो स्वरूप वो चिन्मय, और वो स्वरूप धारण करना, वो स्वरूप देख करके शरीर को धारण करना भी असंभव हो जाए, इतना पावरफुल है। राय रामानंद अचित हो गए, ललिता सखी का अवतार राय रामानंद अचित हो गए, दर्शन मात्र,
फिर महाप्रभु उसको शक्ति संचार की, कारुण्य शक्ति संचार करके चेतन किए हैं, तो राय रामानंद धन्यति धन्य हो गए। तो कहते देखो हम तुमको ये स्वरूप हमने किसी को दर्शन नहीं कराए, एकमात्र तुमको करा रहे हैं, किसी को बोलना नहीं है, तुमको छोड़ के दूसरा कोई ये स्वरूप देख नहीं पा सकता है। तो राय रामानंद कृतकृत हो गए हैं। ये एकमात्र नवद्वीप लीला में ये महाप्रभु के दिव्य चिन्मय स्वरूप, वो चिन्मय स्वरूप एकमात्र राय रामानंद को दर्शन कराए। और विजय आखोरिया नाम से एक महाप्रभु का पार्षद था, वो लिखते थे महाप्रभु के कथा आदि सब संगीत आदि इस विषय में, वो लिखते थे, लेखक राइटर, उनका नाम विजय आखोरिया। तो एक दिन महाप्रभु दोपहर के समय चरण सम्मान कर रहे थे महाप्रभु का, और अचानक महाप्रभु का क्या मन में आया, हाथ का इतना एक छटा, चित स्वरूप का छटा, चित स्वरूप दिव्य स्वरूप का एक छटा दर्शन कराए, बस उसमें ही उसके दिमाग आउट हो गया, पागल हो गया, निर्वस्त्र होकर के 7 दिन नवद्वीप में घूमे, निर्वस्त्र होकर दिगंबर होकर के घूमे, इतना पावरफुल है वो स्वरूप, ऐसे है महाप्रभु के दिव्य स्वरूप। हम नहीं कह रहे हैं, ये तो स्वरूप दामोदर की खर्चा ऐसे प्रमाण देती है। फिर प्रसन्न तृप्त होकर के राय रामानंद फिर आपने फिर महाप्रभु कहते हैं देखो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तीर्थ पर्यटन करके मैं बहुत जल्दी ही नीलाचल में आ रहा हूँ, तुम यहाँ से निवृत्त होकर तुम नीलाचल में आ जाओ, फिर एक साथ रहेंगे, हरी कथा कीर्तन करेंगे, कथा रस में निमग्न होकर के आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तुम आ जाओ। राय रामानंद भी वचन दिए हैं प्रभु, ठीक है हम आ रहे हैं, आप और हम एक साथ रहेंगे वहां नीलाचल में। महाप्रभु ऐसा करके विदाय लेकर के चले गए हैं दक्षिण भारत दर्शन करने के लिए, वहाँ समस्त तीर्थ आदि, तीर्थ तो दर्शन तो बहाना है, महाप्रभु का उद्देश्य है सबके भीतर वो प्रेम संचार करना है, वो शक्ति संचार करके उसको वो प्रेम प्रदान करना है, जगत में वो दिव्य आनंद लीला रस वो प्रदान करना है। तो भगवान छोड़ के जिसका जो वस्तु है वही दे सकते हैं, तो भगवान छोड़ का तो कोई दे नहीं सकते हैं, तो प्रभु ने इस बहाना से दक्षिण भारत में जा करके जो प्रेम प्रदान किए हैं, जिसकी तरफ दृष्टि निक्षेप किया है वही प्रेम प्राप्त होकर के धन्यति धन्य हो गए। वो जब चले गए अपना गांव घर, तो वो जिसको कृपा किए वो भी प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो गए। इस तरह से बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे बौद्ध धर्मी और नाना प्रकार मतावलंबी सब महाप्रभु के सान्निध्य में आकर के अपना मत पंथा छोड़ करके महाप्रभु के प्रेम धर्म प्राप्त किए हैं, महाप्रभु के आचरण, महाप्रभु के आचरित जो प्रेम धर्म उसको स्वीकार किए हैं, ऐसे महाप्रभु बहुत सारे लीला किए हैं। एक ब्राह्मण के यहाँ गए, वो ब्राह्मण रामानंदी थे, राम 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 कर दिए, महाप्रभु देखते बड़े भजन आनंदी हैं, तो ठीक है भिक्षा वृत्तिता ही है, तो उनके यहाँ भिक्षा ग्रहण किए, वो भी बड़े कृतकृत हो गए, हो करके महाप्रभु उनसे विदाय लेकर के तीर्थ पर्यटन में चले गए। तीर्थ पर्यटन करके दोबारा जब आए उनके घर, जो अच्छा भजन आनंदी है चलो इनको देख के जाए, अब देखते कृष्ण 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 करते करते कृष्ण कर रहे हैं, अरे ये तो राम राम करते थे अभी कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, क्या बात है। आके पूछते हैं आप तो पहले तो राम राम करते थे अभी कृष्ण, बोले क्या कहूं मेरे को पता ही नहीं, जब से आप आए हैं आपके सान्निध्य प्राप्त करके आपका स्पर्श पा करके हमारे राम नाम भूल गया, कृष्ण कृष्ण मुख में आ रहा है और गाता ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो मेरा तो मन कहता आप ही कृष्ण हैं, आप कोई और कोई है नहीं, चुप 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 किसी को कहना नहीं, आशीर्वाद करके फिर महाप्रभु आगे निकल गए। इस तरह से महाप्रभु दक्षिण भारत में वेंकट भट्ट के वहां जाएंगे, वहां जाकर के चतुर्वर्ष करेंगे, ऐसे बहुत सारे दक्षिण भारत की और मनोरम मनोमुग्ध कर बड़े सुंदर दिव्याति दिव्य लीला, इस विषय में हम लोग आगे आस्वादन करेंगे, अगर राधा की कृपा होगी महाप्रभु की कृपा होगी तो काल फिर हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे।